नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में बीते 24 घंटे में 37,154 नए मामले आए सामने, 724 मरीजों की हुई मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाएगा एलएनजी, देश के पहले एलएनजी पंप का गडकरी ने किया उद्घाटन। जिले में 43.8 मिलीमीटर हुई बारिश, देर रात हुई रिमझिम, दिन में उमस जारी। 15 तक जारी हो सकता है 10वीं का रिजल्ट, रिजल्ट हो चुके तैयार, छात्रों का बड़ा इंतजार। अजनी में तैयार होगा 12,000 एचपी का रेल इंजन, तेजी से चल रही कार्यशाला का कार्य, 2022 में पूरी होगी मेंटेनेंस वर्कशॉप। जेईई मेन की तीसरे चरण का एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, परीक्षा में सभी गाइडलाइंस का होगा पालन। नागपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की अवैध पार्किंग, निर्देश के बावजूद जारी है मनमानी। ट्रेन अनलॉक पर राहत अब भी लॉक, रिजर्वेशन में सीनियर सिटीजन महिला कोटा जैसी सुविधाएं अब भी बंद। महंगाई के चलते फिर फीके रहेंगे त्योहार, 25 से सावन मास के साथ शुरू होंगे उत्सव। रनर्स डे पर शॉर्ट रन का आयोजन, 100 से ज्यादा धावकों ने लिया हिस्सा। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।